हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रीज की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने APS साइंस का ट्यूमर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट हमने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल पढ़ा था। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल यानी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। तो हमने सीख लिया था कि जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल होती है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 7, ये आपको पता ही ये चल रहा है। आज का टॉपिक हमारा है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है। ये सो ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यह हमारा आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है बच्चों, यानी हमें पता है कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही बनता है। हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए आवेश गतिशील होना जरूरी है। तो यहां अलग बात है, यहां क्या कह रहा है, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आवेश का नहीं है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसमें कैसे फोर्स लगेगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सपोज करो मैंने इस तरह कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एक निर्देश तंत्र ले लिया। ये मान लो एक्स हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, जेड अक्ष। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। और सपोज करो कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव, अब नेगेटिव भी ले सकते हैं। प्लस क्यू आवेश है वो स्मॉल वी वेलोसिटी से, स्मॉल वी वेग से एक्स वाई तल में गति कर रहा है। ये एक्स वाई तल हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो हमारा ये जो धनावेश है, प्लस क्यू आवेश जो है, वो एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो हमारा धनावेश एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है, यह हमें पता है। बच्चों, वी का एक्स दिशा में कंपोनेंट अगर ये मान लो एंगल थीटा हो, तो आप बताओगे कि वी का एक्स दिशा में जो घटक होगा वो कितना होगा। आप कहोगे सर वी कॉस थीटा, ठीक है। और वाई दिशा में इसका जो कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा, वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वी साइन थीटा। क्या होगा, वी साइन थीटा। और v तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, v परिणामी वेग हो गया, तो इसका x दिशा में घटक v cos थीटा और y दिशा में घटक v sin थीटा, ठीक है। और बच्चों सपोज करो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है b, चुंबकीय क्षेत्र कितना है b, और सपोज करो उसको भी मैं x डायरेक्शन में मान लेता हूं कि ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है b, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा कोई धनावेश प्लस क्यू, देखो हमने क्या माना कि माना प्लस क्यू आवेश स्मॉल वी वेग से एक्स वाई समतल में या एक्स वाई समतल में गति करता है,
ठीक है बच्चों, एक्स वाई समतल में गति कर रहा है कितने वेग से, स्मॉल वी वेग से, ठीक है। तथा यह चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर से थीटा कोण पर गतिशील है, थीटा कोण पे क्या है, गतिशील, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक्स दिशा में है, ठीक है। तो क्या देखा गया, देखा गया इसमें जो चुंबकीय बल लगता है वो इसके तल के लंबवत लगता है। चुंबकीय जो बल है वो कैसे लगता है, ये देखा गया, ये चुंबकीय बल को यह डिफाइन किया गया कि जो चुंबकीय बल है एफ वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। F is proportional to Q, F समानुपाती है Q, यानी जितना ज्यादा आवेश होगा, परिमाण की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड संख्यात्मक मान, जितना ज्यादा आवेश उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। आवेश कम है तो फोर्स कम लगेगा, आवेश ज्यादा है, परिमाण ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगता है, चुंबकीय बल की बात मैं कर रहा हूं। तो F समानुपाती Q, ठीक है। देखा गया कि जो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है, परिमाण की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां जो चुंबकीय बल है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है, जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। देखा गया कि जो चुंबकीय बल है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां जो कण का वेग है वी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन सा घटक है, आप कहोगे वी कॉस थीटा। इस वेग v का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक कौन सा है, v cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घटक कौन सा है, v sin थीटा। तो जो चुंबकीय बल है वो उस कण के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में जो घटक है, यानी v sin थीटा, इसे क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, ठीक है। f समानुपाती क्या होता है, v sin थीटा। V sin थीटा वेग का वह मान है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो x डायरेक्शन में है, अब इसकी दिशा में तो कौन सा घटक है, V cos थीटा। इसके लंबवत दिशा में कौन सा घटक है, V sin थीटा। तो जो चुंबकीय बल होगा वो लंबवत घटक, जो वेग का लंबवत घटक किसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इसे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये सभी एफ के वैल्यूज हैं, इनको हम कंबाइंड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, कंबाइंड कर दें, कंबाइनिंग द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 3 को मिलाने पर, ठीक है भाई मिलाओ इसको, तो तीनों को एक साथ लिख दें हम, तो क्या आएगा बच्चों, एफ समानुपाती देखो क्यू के बी, और ये हो गया v sin थीटा, क्या हो गया v sin थीटा, ठीक है ओके। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि f प्रोपोर्शनल टू qv भी sin थीटा, क्या लिख सकते हैं, f प्रोपोर्शनल टू qv भी sin थीटा। और यहां से बच्चों f इज इक्वल टू, आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट एक नियतांक आएगा, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटा के मैंने क्या लगा के कांस्टेंट लगा दिया k, ठीक है। तो k q v b sin थीटा, ठीक है बच्चों, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब बच्चों यहां पर जो नियतांक है, ये जो k है उसको हम 1 मान लेते हैं, ये समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू यहां 1 होती है, समानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहां k इज इक्वल टू 1। तो देखो समीकरण 1 से f इज इक्वल टू क्या बन गया, qvb sin ऑफ थीटा। तो qvb sin थीटा, इतना फोर्स लगता है, चुंबकीय बल है ये, ओके आप देख रहे हैं कहीं विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये चुंबकीय बल है qvb sin थीटा, ठीक है बच्चों, f इज इक्वल टू qvb sin थीटा।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल दूं, ठीक है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो सदिश रूप में इसको मैं लिख सकता हूं, सदिश रूप में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू, तो आपको पता है अदिश राशि है, बाहर ले लो, और ये वी बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। वी बी साइन थीटा आपको पता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से क्यू तो स्केलर है, क्यू अदिश है, अदिश को बाहर ले लो, तो वी बी साइन थीटा क्या हो गया, वी क्रॉस बी, तो इतना हो गया चुंबकीय बल एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो देखो थीटा पर डिपेंड कर रहा है और वी और बी पर डिपेंड कर रहा है, तो देखो अब स्पेशल हम कुछ केस लेके चलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ओके। अब देखिए स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां लेके चले कुछ, केस फर्स्ट, सपोज करो यदि जो V है वो समांतर हो, पैरेलल हो किसके, B के, यानी हमारा जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे हो, तो अब हमें पता है थीटा इन दोनों के बीच में ही होता है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप देख रहे हैं समीकरण 5 से समांतर गति करेगा, तो समीकरण 5 से F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, थीटा क्या हो गया, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 7। सिंस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 0। तो ये क्या रिजल्ट हमें मिल गया कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, यानी ऐसे गति करे, ये आवेशित कण है वो इसी दिशा में गति कर रहा है और इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, कोई फोर्स, चुंबकीय जो फोर्स है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी में आप देख सकते हैं यदि देखो थीटा 0 है तो समांतर गति कर रहा है, यदि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, विपरीत दिशा, अपोजिट साइड, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, अब विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, विपरीत दिशा का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, विपरीत दिशा में गति कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और हमारा कण इससे गति कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया इनके बीच में, 180 डिग्री। तो थीटा 180 होगा, तो आप देखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 से एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, तो बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 8। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, यानी उसी के अनुदिश गति करे, उसी के दिशा में गति करे, या उसके विपरीत दिशा में गति करे, प्रति समांतर, एंटी पैरेलल, अपोजिट साइड में गति करे, तो कोई चुंबकीय बल नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, अब बताओ जब फोर्स नहीं लग रहा, अब क्लियर है बहुत, जब फोर्स नहीं लग रहा तो आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू होता है एम, जब फोर्स नहीं है
यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। जब फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। ए बराबर क्या होगा, जीरो, यानी कोई त्वरण नहीं होगा। त्वरण नहीं है, त्वरण कब नहीं होता, जब उसका वेग क्या होता है, नियत होता है। यानी इस स्थिति में, इस वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं भाई, त्वरण जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं लिख देता हूं कि इस स्थिति में आवेशित कण का वेग वेग नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा, नियत। v इज इक्वल टू क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी वो जिस दिशा में गति कर रहा है वो उसी दिशा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी वेग में परिवर्तन के गति करेगा। अब जब बच्चों वेग नियत रहेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब वो समांतर, जब हमारा जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत दिशा प्रति समांतर गति करता है तो उसमें कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारा बल जीरो है, कोई चुंबकीय बल नहीं लग रहा, तो त्वरण भी क्या होगा, जीरो। त्वरण जीरो का मतलब होता है बच्चों v नियत, वेग क्या हो गया, नियत हो गया। तो जब वेग नियत रहेगा तो गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, क्योंकि हाफ तो संख्या है, m द्रव्यमान है, तो v नियत है तो k भी नियत रहेगा, तो गतिज ऊर्जा नियत रहती है। और जो संवेग है उसका, जो मोमेंटम है, संवेग आपको पता है p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो m तो नियत है ही, m द्रव्यमान है, v नियत है, तो p भी क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगा। इस वाले केस में वेग नियत रहेगा, गतिज ऊर्जा नियत रहेगी और संवेग भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये हुआ केस फर्स्ट। आगे देखें केस सेकंड। देखो 90 डिग्री लू, मान लो मैं यदि थीटा इज इक्वल टू क्या ले लू, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारा आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, लंबवत दिशा में गति कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, लंबवत दिशा में गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, लंबवत दिशा में गति करे, तो आप देखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, तो थीटा 90 है और साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी f इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो क्या साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी इसका मतलब यहां मैक्सिमम फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल क्या होगा, अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, तो जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उस समय उस पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी। अधिकतम चुंबकीय बल लगता है क्यू वी बी। तो बच्चों इस केस में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत दिशा में ले रहा हूं मैं, क्रॉस, क्रॉस का मतलब बिल्कुल कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हमारा जो आवेशित कण है वो तो तल में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है और थीटा क्या है, 90 डिग्री। मानो हमारा आवेशित कण v वेग से ऐसे प्रवेश करता है इसमें, तो जैसे प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाता है बच्चों। पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार। पहले वाले केस में जब हमारा v पैरेलल था b,
वी समांतर किसके था? बी के था। तो उस समय जो पथ होता है वो होता है सरल रेखीय। वो सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, सरल रेखीय पथ होता है। लेकिन इस वाले केस में जब लंबवत दिशा में गति करेगा, जब फोर्स लंबवत होता है, गति के लंबवत होता है, तो पथ कैसा हो जाता है बच्चों? वृत्ताकार हो जाता है। यानी अब वो इस तरह गति करेगा, वृत्ताकार पथ में गति करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ में। तो अब ये जो फोर्स लगेगा QVB, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये सेंटर की ओर लगता है। किसके ओर लगता है? सेंटर की ओर, ठीक है? क्योंकि हमेशा वो V और B के तल के लंबवत होता है, तो हमेशा जो फोर्स होगा यहां बच्चों सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, जब बल किसी कण की गति के लंबवत दिशा में लगे तो उसका पथ कैसा हो जाता है बच्चों? वृत्ताकार हो जाता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। अब आपको पता लगेगा कि भी वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ में कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति कब करेगा? किसी भी कण को वृत्ताकार पथ में सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। तो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो किससे प्राप्त होता है? इसी चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? चुंबकीय बल से। तो आप सीख चुके हैं कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत दिशा में गति करता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है? सरल रेखीय। लंबवत दिशा में गति करेगा तो पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। ठीक है, इसी में आगे देखिए, ओके, देखो वृत्ताकार पथ इसी केस में चल रहा है, केस टू में। वृत्ताकार पथ में गति के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक, गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होगा इसको? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, वृत्ताकार पथ कोई सी भी गति हो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है? पृथ्वी व सूर्य के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, जो अभिकेंद्रीय बल है, वो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसे अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से सप्लाई हो रही है। तो यहां पर हमें जो अभिकेंद्रीय बल की सप्लाई हो रही है, हमें प्राप्त हो रहा है, वो किससे हो रहा है? चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात अभिकेंद्रीय बल आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। यदि कोई एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के पथ में वी चाल से चले, वी वेग से चले, तो उस पर इतना अभिकेंद्रीय बल लगता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये किससे प्राप्त होगा? चुंबकीय बल क्यू वी बी, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी क्यू वी बी से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको चलो इक्वेशन नंबर में मान लेता हूं, 1 मान लेते हैं। तो यहां से आप उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल सकते हो, उसके चाल निकाल सकते हो, एक चक्कर को पूरा करने में टाइम निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। देखिए देखो, समीकरण एक से मैं ले लू,
वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपसे पूछ ले, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या रेडियस, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू है क्यू वी बी। ठीक है, तो देखे बच्चों v से तो v कैंसिल हो गया, तो r को मैं इधर ले जाऊं तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वी अपॉन क्यू बी, या भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो आपको ध्यान में रखनी है कि r इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी। यदि कोई q आवेश वाला कण जिसका द्रव्यमान m है चुंबकीय क्षेत्र b में लंबवत प्रवेश करता है v वेग से, तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है और उसकी त्रिज्या कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। आगे साइक्लोट्रॉन में भी हम इसी को पढ़ेंगे, एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक है, चाल निकाले मानो इसकी, देखो इसी से पता लग रहा है समीकरण नंबर दो से, देखो समीकरण दो से भाई आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, तो समीकरण दो से वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। बिल्कुल ठीक है, क्यू बी आर अपॉन एम, ये हो गए इसकी वेलोसिटी या स्पीड। इक्वेशन नंबर थर्ड, वी इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, क्लियर है, ओके। त्रिज्या निकाल लिया और चाल निकाल ली, ठीक है, ओके। अब मान लो आपसे पूछे कि भाई आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में, एक पूरे चक्कर में घूमने में लिया गया समय। तो आवर्तकाल समय का मतलब क्या होता है, दूरी बटा चाल, भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय हो गया दूरी बटा चाल। तो बच्चों एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, जो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी तय करेगा एक चक्कर में, 2πr, तो दूरी बटा चाल कितनी है, वी। तो बस आप वैल्यू रख सकते हो, देखो टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी की वैल्यू रख दो, क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। बच्चों आर से आर कैंसिल हो गया, तो टी आवर्तकाल कितना आ गया, 2πm अपॉन क्यू बी, हो गया आवर्तकाल, टी इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये हमने आवर्तकाल भी निकाल लिया, और देखें फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति, स्मॉल n। तो बच्चों आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, आपको पता है आवृत्ति मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन t। तो t की वैल्यू रखो, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन t की वैल्यू क्या है, 2πm अपॉन qb। तो बच्चों यहां से qb ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, qb अपॉन 2πm, n इज इक्वल टू qb अपॉन 2πm। तो ये आ गई आवृत्ति, qb अपॉन 2πm। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आप कोणीय आवृत्ति भी निकाल सकते हो, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। तो बच्चों संबंध होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn। तो चलो n की वैल्यू रख दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, n की वैल्यू क्या है, qb अपॉन 2πn। आप देख रहे हैं 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, qb अपॉन m, ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन एम। ठीक है बच्चों, ये हो गई कोणीय आवृत्ति, तो जो पूछे आप निकाल सकते हो, ओके। तो ये हमारा केस सेकंड,
और मैं केस थर्ड ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको किसी भी केस के बारे में पूछ सकते हैं अलग अलग। देखो, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर प्रवेश करें, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर प्रवेश करें, और बच्चों जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, ये आपको दे दिया। थीटा क्या है? 0 से 90 के बीच में। अगर 0 होता तो सरल रेखीय पथ हो जाता, 90 होता तो वृत्ताकार पथ हो जाता। अब कह रहा है 0 से 90 के बीच में गति करें तो कैसा होगा पथ, यानी कुछ इस तरह की बात है। मान लो मानो एक्स है, तो सपोज करो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मैंने बोल दिया बी, ठीक है। तो ये जो मैंने समांतर और समान दूरी पर स्थित जो बनाई है बल रेखाएं हैं, तो जैसे हम विद्युत क्षेत्र को शो करते हैं ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाओं को भी हम शो कर सकते हैं इन रेखाओं के द्वारा। यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब वो मान लो थीटा कोण पर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, ये थीटा कोण हो गया, ठीक है बच्चों। थीटा कोण पर प्रवेश कर रहे हो तो आप देख रहे हैं थीटा 0 और 90 के कहीं बीच में हो सकता है, 0 से बड़ा है, 90 से क्या है? छोटा। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है? तो ऐसे वाले केस में बच्चों इसकी रिजल्टेंट मोशन होता है, परिणामी गति होती है। कैसे? देखो, इस V का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक है V cos थीटा, और V का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घटक है V sin थीटा। सपोज करो इसको मैंने VY मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? VX। X दिशा में जो कंपोनेंट है, X दिशा में घटक V cos थीटा, और Y दिशा में घटक क्या है? V sin थीटा। तो अब इसका काम ऐसा काम तो आप जानते हो, ये वाला जो घटक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घटक होता है वो तो क्या करता है? वो उसी दिशा में लेके जाएगा, यानी वो इस तरह गति करवाएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घटक होगा वो घुमाता है, तो यह घुमा घुमा के आगे गति होगी उसकी। ये वाला जो घटक है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कराएगा, सरल रेखीय पथ पे चलेगा, और ये वाला जो घटक है लंबवत घटक वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाएगा। तो अब ये दोनों का प्रभाव, दोनों के अध्यारोपण से गति जो होती है, परिणामी गति जो होती है, वो बच्चों कुछ इस तरह से हो जाती है। इस तरह कण हमारा गति करता है। अब देखो आगे भी बढ़ रहा है लेकिन घूम घूम के आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो गति होती है इसको बोलते हैं कुंडलिनी गति। चलो मैं थोड़ा आपको लिख देता हूं समझाने के लिए। देखो v cos थीटा तो क्या करेगा? b की दिशा में गति कराएगा, b की दिशा में सरल रेखीय गति, ठीक है। और v sin थीटा क्या करेगा? ये वृत्तीय गति कराएगा। तो अब इन दोनों जो प्रभाव है, इन दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी गति होती है, दोनों के अध्यारोपण से परिणामी गति होती है, तो इस तरह कुछ कुंडली नुमा गति होती है, हेलिकल पाथ, कुंडली नुमा गति, तो इसको बोलते हैं हम कुंडली नुमा गति, यानी हेलिकल पाथ। हेलिक्स का मतलब कुंडली। इन दोनों के परिणामी जो अध्यारोपण के प्रभाव से जो गति होती है बच्चों वो होती है कुंडली नुमा गति, समझ गए? ओके। तो अब देखो यहां पर जो आगे बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा वी एक्स से,
और घूमेगा किससे, वी वाई से। तो एक यहां पर हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, एक होता है कुंडलिनी अंतराल, पूछ लेते हैं इसमें कुंडलिनी अंतराल क्या होता है, कुंडलिनी अंतराल इसको बोलते हैं पिच, कुंडलिनी अंतराल या पिच। तो होता है क्या कि एक चक्र में कितने उसने 36 दूरी तय करी। कुंडलिनी अंतराल का मतलब होता है कि आवेशित कण द्वारा, आवेशित कण द्वारा एक चक्र में तय की गई 36 दूरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। आवेशित कण द्वारा एक चक्र में तय की गई 36 दूरी। आप समझ रहे हो बच्चों, यहां से ऐसे घूम रहे थे, घूम भी रहे और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो दूरी है 36 दूरी एक चक्र में, वो होती है कुंडलिनी अंतराल या पिच बोलते हैं उसको। तो आवेशित कण द्वारा एक चक्र में तय की गई 36 दूरी क्या होती है, कुंडलिनी अंतराल। तो उसको चलो मैं एक्स बोल दूं, तो दूरी हम निकाल सकते हैं कुंडलिनी अंतराल के लिए। तो दूरी का मतलब क्या होगा भाई, एक चक्र में तय की गई 36 दूरी, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी क्या हो गया चाल गुणा समय। तो यहां चाल कौन सी होगी, वी एक्स, और समय हो गया टी, क्योंकि एक चक्र में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर बच्चों कि एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। अब टी क्या है, टी है एक चक्कर में घुमाने में लिया गया समय। समय का मतलब क्या होगा, समय का मतलब होता है आपको पता है 2πm/qb, लेकिन आप वहां से निकालेंगे क्योंकि आपको यहां लेना है ये वाला वेग, ठीक है। तो पहले देखो मैं समय आवर्तकाल निकाल दूं, इसको इक्वेशन वन मान लो। तो इस वाले केस में हम कितना लेंगे आवर्तकाल उसकी बात करें। देखो आवर्तकाल इज इक्वल टू दूरी बटा वेग, एक चक्र में दूरी कितनी तय करेगा वृत्ताकार पथ में 2πr, और किसने वेग से चल रहा है, वी वाई वेग से चल रहा है। कितने वेग चल रहा है बच्चों, वी वाई वेग से। ये ध्यान रखना आप, दूरी है 2πr जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, और कितने वेग से चल रहे हैं, वी वाई वेग से, क्योंकि ये वाला वेग ही वृत्ताकार पथ में गति कराता है, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी दो वैल्यू रखो आप कि 2πr, वी वाई क्या है, वी साइन थीटा, और r भी आप जानते हो r कितना था, बिल्कुल mv/qb। तो यहां से आप r की वैल्यू रख सकते हो 2πr की जगह mv/qb, तो v से v कैंसिल हो गया। तो यहां हमें जो मिलेगा आवर्तकाल की वैल्यू तो कितने मिलती है, 2πm/qb sin θ, 2πm/qb sin θ। पहले मिलती थी 2πm/qb, तो इस वाले केस में जो हमें आवर्तकाल मिलेगा कुंडलिनी वाले केस में 2πm/qb। तो हम यहां आवर्तकाल t की वैल्यू रख सकते हैं। देखो इसलिए समीकरण एक से x is equal to क्या आएगा, vx आपको पता है v cos theta, ओके, into tt कितना है 2πm/qb sin θ, 2πm/qb sin θ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा कुंडलिनी अंतराल, x is equal to 2πmv cos θ/qb sin θ, क्लियर। ओके बच्चों, अगर आवर्तकाल फिर से देखें, देखो हमने लिखा t इज इक्वल टू 2πr/vy, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 2πr, vy कितना है, v sin थीटा, लेकिन हमें r की वैल्यू भी यहां रखनी पड़ेगी 2πr। अब देखो r हमें पता है, r होता है mv/qb,
आर क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन ये वी कौन सा होता है लंबवत वाला, तो यहां लिखना पड़ेगा वी वाई वाला, ठीक है, क्योंकि तो वृत्ताकार पथ में जो गति करेगा वो वी वाई वेग से कर रहा है, आएगा तो वही हमारे पास, लेकिन आप ध्यान रखें कि आर वी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको वेग या कौन सा घटक लेना है, लंबवत दिशा में घटक लेना है, यानी एम वी वाई की जगह वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। देखो मान रखें आर की जगह एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा क्यू बी। देखो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्तकाल वही मान आ रहा है हमारे पास कि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, तो यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आवर्तकाल वही रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर आप इस तरह वैल्यू निकाल दो, ये मैंने आपको निकाल के इसलिए दिखा दिया ताकि कंफर्म हो जाए कि हम जब घूम रहे हैं तो वी वाई वेग से घूम रहे हैं, तो जहां भी हमें वेग की जरूरत पड़ेगी तो हम वी वाई लेंगे। ओके तो देखो अब इसलिए जो पिच या कुंडलिनी अंतराल की बात करें x इज इक्वल टू यानी वी एक्स इन टू टी, तो बच्चों x इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बिल्कुल v cos थीटा, ओके, और कैपिटल T की वैल्यू क्या है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो अब देख रहे हैं आप कि हमारे पास यहां से x क्या आ जाएगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया बच्चों कुंडलिनी अंतराल या पिच बोलते हैं इसे, यानी एक चक्कर में तय की गई क्षैतिज दूरी, ठीक है, ओके। तो ये तीन केस हमने लिए, इनको आप पढ़े ढंग से और कमेंट क्या करो भाई, आप कमेंट ही नहीं करते हो, या तो आप बहुत होशियार हो गए हो या पढ़ ही नहीं रहे हो, जो पढ़ेगा उसको तो प्रॉब्लम आती है, जो नहीं पढ़ता उसको नो प्रॉब्लम, कमेंट क्या करो। तो एक केस हम ये भी ले सकते हैं चौथा केस, अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ साथ विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर भी, मतलब विद्युत क्षेत्र भी हो उस रीजन में, विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, तो भाई हम चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत बल भी लगेगा, तो चलो मैं लिख देता हूं, तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल के साथ साथ चुंबकीय बल के साथ साथ वैद्युत बल भी लगता है, वैद्युत बल भी आरोपित होता है, ठीक है, अतः तो इस समय जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, या मैं उसको वैद्युत चुंबकीय बल बोल दूं, या बच्चों इस वैद्युत चुंबकीय बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल, क्या बोलते हैं लॉरेंज बल, तो जो परिणामी बल होगा या वैद्युत चुंबकीय बल होगा या लॉरेंज बल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, एफ ई प्लस एफ एम, तो लॉरेंज बल यहां से मिलता हमें, तो एफ इज इक्वल टू वैद्युत बल क्या होता है क्यू ई, वैद्युत बल क्या हो गया क्यू ई, प्लस चुंबकीय बल क्या हो गया क्यू इन टू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो यहां से बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू, हमने कॉमन ले लिया, तो क्यू इंटू ऑफ ई प्लस वी क्रॉस बी,
ये होता है लॉरेंज बल यानी वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है ओके बच्चों, तो आज हमने चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में बात करी। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट आप जरूर किया करें क्योंकि उससे पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करें। थैंक यू।